पैसा लूटेंगे तब भी, अजंता का लेंगे तब भी। अच्छा मेरी बहन का घर में शादी की बात आ गई और लड़के बाहर से पढ़ने आते हैं जिसके घर में कुछ नहीं होगा, बच्चे प्याज दिखा। अभी सब वित्त मंत्री ने कहा हम कोनो प्याज नहीं खाए, हम लहसुन तहसुन नहीं खाते हैं, तो सब नेता को रोक दीजिए ताकि बलात्कार रुक जाए। पप्पू यादव जी आप जो एक बहुत ही नया पहल कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं एक आदर्श कर रहे हैं, खराब किया। लेकिन सर ये सरकार सेवा आश्रम 84 से चल रहा था, तोड़ दिया दिल्ली में मेरे सेवा आश्रम को। 7 करोड़ रुपया सालाना हम खर्च करते थे गरीब के किडनी कैंसर ब्रेन ट्यूमर का इलाज करते थे, वो नहीं था। बिल्कुल था सर, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ये तो अपने आप एक आदर्श है, एक नई पहल है। ये सेवा है सर अपने घर की, और उसके पिता की डुबा दिया था इन लोगों ने, इसलिए पूरा आपको लगा जो बाहर के बच्चे हैं और जिसकी आज 500 लगभग किलो घर से शादी में गया और अभी 700 किलो यहाँ लेके हम लोग आए। लेकिन 700 परिवार को कम से कम, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। लेकिन ये बताइए आप पटना में प्याज कहीं और बेच सकते थे, लेकिन राजेंद्र नगर को ही कर सब जगह बेच रहा है, सब जगह जा रहा है। राजेंद्र नगर को डुबा दिया था ना, मिडिल क्लास के लोगों के पास पैसे नहीं है, बेचारे के पास 120 रुपया कहाँ से लेगा, इसीलिए 30 रुपया। ये मेरा घर है ना, सुशील मोदी जी के घर के सामने। कौन घर है किसका? सुशील मोदी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री ठिका लिए हुए हैं। नहीं लेकिन राजेंद्र नगर मेरा घर नहीं है, बिल्कुल आपका भी घर है, लेकिन मेरा भी घर है सामने क्यों ठिका लिए हुए हैं? ये घर मेरा है। अच्छा हाँ, ये पिछला घर मेरा है, सब रिश्तेदारे लोग रहते हैं हम। जी जी, तो सर ये जो आप पहल कर रहे हैं सरकार पर, इस पर कोई असर पड़ेगा? सरकार कोई एक्शन लेगी? थेथर पर कोई असर होता है? निर्लज पर कोई असर होता है? धनुका पर कोई असर होता है? लुटने पर कोई असर होता है? 23,000 करोड़ का यात्रा में चल गए लोग, इस सब इलाके में हमारे रिश्तेदार सब भर लगो पता है। ये खाली आपको नजर आता है अनुकंपा वाला, चलिए तो हम घर दिखाते हैं आपको राजेंद्र नगर में कितना परिवार है मेरा।